नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के माध्यम से हमने अपडेट किया था कि हमारे पास शेफ प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल और जापानी शेफ। हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आए थे, लेकिन चूंकि जो रेलेवेंट क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिली, इसलिए रिक्वायरमेंट अभी भी ओपन है। क्योंकि क्लाइंट इसमें क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान देता है और इंटरव्यू में पास होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो लोग भी सेम फील्ड में हैं, जिनको सेम फील्ड का नॉलेज है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेफ में जो सैलरी रहेगी वो 1600 से लेकर 2000 सिंगापुर डॉलर रहेगी, और जापानी शेफ के लिए जो सैलरी होगी वो रहेगी 3000। दोनों प्रोफाइल के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग वीडियो बना के भेजना होगा, क्वालिटी को मेंटेन करना होगा और इंग्लिश आना कंपलसरी है। दोनों ही प्रोफाइल्स में 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी और दोनों में एक प्रकार से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट को बरीदे दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है और इसलिए प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारा शेफ प्रोफाइल का वीजा 5 डेज के अंदर अप्रूव हुआ था। विद इन 5 डेज, मीन्स वीजा नहीं, एप्लीकेशन होने की बात कर रहा हूँ। 5 डेज, 28 तारीख को एप्लीकेशन हुआ और 3 तारीख को वीजा अप्रूवल हाथ में था। तो कोई भी कैंडिडेट जो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, कोशिश ये रहेगी कि विद इन अ मंथ वो फ्लाई भी कर सकते हैं। दोनों प्रोफाइल्स के लिए बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कोटा प्री अप्रूव्ड कोटा है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की रिक्वायरमेंट उसमें अप टू 35-30 तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जापानी शिफ्ट के लिए भी 30 तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर कैंडिडेट एक्सीलेंट हुआ, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा, तो एज लिमिट के ऊपर भी आगे कंसिडर कर सकते हैं। क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करके भेजने होंगे। बाकी चीजों के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में शेयर की थी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें। इसमें प्रोसेस डेफिनेटली बहुत फास्ट होने वाली है। जो प्रोसेस जिस प्रकार से क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में है, उसके हिसाब से शायद 10-15 डेज में कैंडिडेट का वर्क परमिट मीन्स जो वीजा है, वीजा अप्रूवल हो जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों, ये वैकेंसी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।